दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कमेंट दिखाऊंगा जो आप ही में से किसी एक ने किया है, और उन्होंने जो बात कही है वो क्या सच है क्या झूठ है इसके बारे में तो आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं भी विस्तार से आपसे बात करना चाहूंगा। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती की और अमिताभ बच्चन की कॉम्पिटिशन वाली खबरें जो है बहुत चलती है और बहुत सामने आती भी रहती है। अगर कहानियों में देखी जाए तो मिथुन चक्रवर्ती की संघर्ष की कहानी अमिताभ बच्चन से काफी हटके, हालांकि अमिताभ बच्चन साहब ने भी काफी संघर्ष किया था, उनकी लंबाई उनके कदकाठी को लेकर काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा था, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को भी कुछ ऐसे ही दिक्कतों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या मिथुन चक्रवर्ती ने ज्यादा हिट फिल्में दी हैं या फिर अमिताभ बच्चन ने? अमिताभ बच्चन बड़े अभिनेता हैं या फिर मिथुन चक्रवर्ती ने? तो देखिए, सबसे पहले जवाब यही आएगा कि अमिताभ बच्चन साहब एक बड़े अभिनेता हैं और वाकई में वो एक बड़े अभिनेता रहेंगे, हमेशा रहेंगे। उन्हें बिग बी कहा जाता है, बल्कि बॉलीवुड का एक भगवान भी उन्हें कहा जाता है, खुदा भी कहा जाता है, यहाँ तक कि मिथुन चक्रवर्ती उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं उस कमेंट की जिन भाई साहब ने कमेंट किया है, तो आपका भी कहना बहुत ही अच्छे तरीके से सही है, लेकिन मैं उन लोगों को भी सुनाना चाहूंगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। उन्होंने कमेंट किया था कि भाई, मिथुन का करियर विनोद खन्ना, जीतू, धर्म, अमिताभ, सुनील दत्त, इनकी उम्र ढलने पर उफान पर आया था। 1986 के बाद साल में 11 या 18 फिल्में कर एक आधी हिट फिल्में देते थे मिथुन, क्या मतलब रहा? धर्म और जीतू तो 40 साल तक अपने करियर की सफलता पूर्वक किया, राजेश खन्ना की आंधी और अमिताभ बच्चन का तूफान भी इनको डगमगा नहीं सका। मिथुन तो 90 के बाद यानी 5 साल में ही फ्लॉप का सिलसिला लगातार शुरू कर दिए, ऐसे में यह कंपेयर करना क्या मतलब है? तो आप इस बारे में खुद बताइए कि अमिताभ बच्चन ने अपनी पहली फिल्म की थी जो कि 1969 में आई थी, और फिल्म का नाम था सात हिंदुस्तानी। सात हिंदुस्तानी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने जो किरदार निभाया था, क्या उसके लिए उनकी सराहना उतनी हुई थी जितनी कि मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म मृग्या आई थी 1976 में? ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 साल पहले अमिताभ बच्चन ने फिल्मी करियर में अपना कदम रखा था और 7 साल बाद मिथुन चक्रवर्ती ने अपना करियर रखा था। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती वो अभिनेता बने जिन्होंने पहली फिल्म से नेशनल अवार्ड जीता, और 76 से लेकर आज तक अगर बात की जाए तो मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत सी फिल्में दी हैं। अब बात आती है कि मिथुन चक्रवर्ती ने कितनी हिट फिल्में दी हैं, कितनी फ्लॉप फिल्में दी हैं, तो आप इस बात से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब ने भले ही 69 में एंट्री की थी, लेकिन आज तक उनकी कुछ पॉपुलर फिल्में हैं, कुछ पॉपुलर डायलॉग्स हैं जो लोग पसंद करते हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती तो पूरा का पूरा 80 का दशक लेकर चले गए थे अपने दम पर। और अमिताभ बच्चन को क्या आप किस तरीके से कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन मिथुन चक्रवर्ती से छोटे या फिर उनके सामने फ्लॉप एक्टर हैं? ये चीजें आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। जिस तरह का कमेंट आया तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, और मैंने सोचा कि भाई इस बारे में बात की जाए आप सबसे, और आप सब लोग खुद डिसाइड करेंगे कि अमिताभ बच्चन ने ज्यादा हिट फिल्में दी हैं या फिर मिथुन चक्रवर्ती ने। मिथुन चक्रवर्ती को हम यह भी कह सकते हैं कि मिथुन ने जितनी हिट फिल्में दी हैं उतनी ही फ्लॉप फिल्में भी दी हैं, लेकिन राज करने के मामले में मिथुन चक्रवर्ती आज भी आगे चलते हैं। बहरहाल, इसके बाद आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा।